Hey there, what's going on guys? Welcome to another tutorial. आज के इस वीडियो में हम Netflix का लोगो बनाने वाले हैं। ये देखें लोगो आपको नजर आ रहा है, इसको हम HTML और CSS से बनाएंगे। नीचे हम टाइटल लगाएंगे Netflix का। सिर्फ हम लोगो नहीं बनाएंगे, इसको एनिमेट भी करेंगे। तो देखिए जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आपका लोगो एनिमेट होके आ रहा है और नीचे आपका आ जाएगा टाइटल। तो इसका एनिमेशन हम किस तरह से बनाएंगे, Using only HTML and CSS। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने VS Code ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं HTML के लिए क्रिएट कर रहा हूँ index.html, एंटर। और दूसरी फाइल क्रिएट कर लेते हैं CSS के लिए style.css, एंटर। फाइल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। HTML से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift 1, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, एंटर। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेसिक कोड आपका बॉयलर प्लेट। अब मैं यहाँ से टाइटल चेंज कर देता हूँ, Netflix लोगो एनिमेशन। सबसे पहले हम लोगो बना के और फिर उसको एनिमेट भी करेंगे। तो टाइटल के नीचे मैं क्या करूँगा, लिंक करवाना बहुत ज़रूरी है स्टाइल शीट को। तो लिंक कर देते हैं, एंटर, style.css, ओके। अब हमारा फाइल जो है वो CSS लिंक हो चुका है HTML के साथ। सबसे पहले मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर के साथ। ये देखें हमारा जो है वो HTML ओपन हो चुका है ब्राउज़र में। अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पे सर्च करता हूँ Netflix लोगो, इमेजेस में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये लोगो है Netflix के। हमें इस तरह का जो है वो लोगो क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका जो पूरा बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है। तो हम चलते हैं सबसे पहले VS कोड में, इसकी कोई नीड नहीं है, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पूरे स्क्रीन में देना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पूरे जो लोगो है Netflix का उसको एक कंटेनर के अंदर रखूँगा। तो सबसे पहले क्लास बना लेता हूँ कंटेनर का डिव के अंदर। तो डिव आ गया विथ क्लास नेम कंटेनर, ओके। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो बाद में हम लोगो क्रिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं CSS की तरफ और जो मैंने कंटेनर किया उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले लगा रहे हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, मार्जिन कर देते हैं 0, पैडिंग में कर देता हूँ 0, जो डिफ़ॉल्ट के मार्जिन पैडिंग है वो रिमूव हो जाएंगे। सिंपल बॉक्स साइजिंग में कर दूँगा बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लिया। अब सबसे पहले जो मैंने डिफ अंदर, मैंने HTML में भी कुछ भी नहीं क्रिएट किया हुआ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बना के हम उसको डिज़ाइन करते जाएंगे वन बाय वन। तो हमने, हमारे पास ओनली कंटेनर है, तो मैंने क्लास कंटेनर को उठाया डॉट के साथ। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, कलर कर देते हैं ब्लैक। अभी देखिए हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बिकॉज 0 हाइट है, हाइट हमें करना पड़ेगा 100 VH, एंटर। अब जैसी हाइट 100 VH हमने किया, आपका बैकग्राउंड कलर पूरा ब्लैक हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दोबारा चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ देखें अब हमें ये n जो Netflix का n है इस, ये हमें लोगो क्रिएट करना है। तो आप इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 स्ट्रिप्स में। ये देखिए आपका जो आपका लोगो जो n है, ये आपका लेफ्ट स्ट्रिप है और ये जो मिडल वाला है सेंटर वाला, ये आपका सेंटर स्ट्रिप है, स्ट्रिप पट्टी को कहते हैं। तो हम, और ये जो आपका राइट वाला है इसको हम राइट स्ट्रिप बना के डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक लोगो के अंदर रखेंगे। तो चलते दोबारा VS कोड में, और VS कोड में HTML में अब मैं क्या करूँगा, इसको स्क्रॉल कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक डिव बना देता हूँ विथ क्लास नेम लोगो, क्योंकि इसके अंदर हमारा पूरा लोगो आने वाला है जो हम n डिज़ाइन करने वाले हैं Netflix का। तो n मैंने आपको बताया किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, स्ट्रिप्स वाइज।
तो हमें 3 स्पेन के टैग बनाने पड़ेंगे और उनको मैं क्लास नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से स्पेन बना लेते हैं। तो स्पेन करके मैंने स्टेरिक 3 कर दिया, 3 स्पेन हमारे पास आ गए, 3 स्पेन रेडी हो चुके, टैग लग चुके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनको क्लास दे देता हूँ। तो क्लास डाल दिया, सॉरी क्लास, क्लास क्या देंगे, सबसे पहले हमारा लेफ्ट स्ट्रिप, लेफ्ट स्ट्रिप, और ये जो दूसरा वाला स्पेन है ये हमारा सेंटर स्ट्रिप है, सेंटर स्ट्रिप, और ये हमारा राइट वाला स्ट्रिप है, तो राइट स्ट्रिप, ओके। तो ये जो लोगो है, लोगो के अंदर ये हमारे एन का जो 3 स्ट्रिप्स है वो हमने बना ली। अब हम इनके इनको चल के डिज़ाइन कर लेते हैं। तो चलते हैं CSS में, और CSS में सबसे पहले मैं उठाऊंगा लोगो। तो जो लोगो का मैंने डिफ क्रिएट किया विद क्लास नेम लोगो, वो बेसिकली आपका एक कंटेनर रहने वाला है और उसके अंदर पूरा लोगो जो है वो नेटफ्लिक्स का फिट आ जाएगा। किस तरह से, मैं क्लास उठा लेता हूँ लोगो, डॉट करके मैंने उठा लिया क्लास, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि नज़र आए अच्छे से कि हम बैकग्राउंड हमारा लोगो जो कंटेनर है वो कहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको लाइट सा दे देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए, येलो। अभी देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब हमें विद एंड हाइट देना पड़ेगा, तो मैं विद इसमें दे देता हूँ 200 पिक्सल का, और हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल का। तो अब देखें आपको ये नज़र आ रहा है, 200 पिक्सल का आपको हाइट नज़र आ रहा है, सॉरी पीसी लग गया यहाँ पे, पिक्सल, ओके। तो अब क्या हो रहा है, 200 पिक्सल का विड्थ और 200 पिक्सल के हाइट का हमें एक बॉक्स मिल चुका है। यह आपके लोगो का बॉक्स है, इसके अंदर पूरा लोगो फिट आना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, मैं आपको ब्राउजर में दिखा दूं लोगो, यहाँ देखें आपका लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट एन की हाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो और इसके अंदर 3 स्ट्रिप्स आने चाहिए अच्छे से। तो मैं क्या करूँगा, हाइट यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, हाइट हम कर लेंगे 400 पिक्सल, ओके। अब इसमें जो है वो लोगो बिल्कुल हाइट सही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने इस जो लोगो का डिफ है इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में ले आना है स्क्रीन के। किस तरह से करेंगे, बहुत ही सिंपल है, फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई करेंगे, वी नो फ्लैक्स बॉक्स, डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट आप जैसी सेंटर करेंगे, लेफ्ट एंड राइट से आपका डिफ सेंटर हो जाएगा, अलाइन आइटम आप जैसी सेंटर करोगे सेंटर हो जाना चाहिए, देखें हो चुका है सेंटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिज़ाइन करेंगे लोगो। तो अब बारी हमारे स्ट्रिप्स की, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी चिल आउट। स्ट्रिप भी बहुत सिंपली से अच्छे से समझाऊंगा आपको। सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे लेफ्ट स्ट्रिप। अच्छा, मैं आपको स्ट्रिप्स ले जाने से पहले कुछ बातें बता दूं कि लेफ्ट स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप, सेंटर स्ट्रिप जो है हमारा लेफ्ट राइट और सेंटर, इसमें कॉमन चीज़ों को हम टैग्स के अंदर रखेंगे, टैग्स के साथ डिज़ाइन करेंगे, और जो हमारे इसके अंदर क्लासेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट के लिए हम यूज़ करेंगे। तो सेम क्या चीज़ें रहने वाली हैं, देखिए कलर में डिफरेंस है, पीछे के जो दोनों स्ट्रिप हैं उनके कलर डिफरेंस है, और यहाँ का जो आपका जबकि टॉप का जो सेंटर का स्ट्रिप है इसका कलर डिफरेंस है, तो इनको हम क्लास में नहीं रख सकते, सेम टैग में सॉरी नहीं रख सकते। तो अगर आप गौर करेंगे तो सबकी हाइट एंड विड्थ सेम है, देखिए एन एन जो पूरा फिट रहने वाला है, इन सब की हाइट एंड तीनों स्ट्रिप्स की हाइट, तीनों स्ट्रिप्स की विड्थ बिल्कुल सेम है, तो इनको हम स्पेन के टैग के अंदर डिज़ाइन करेंगे। तो चलते हैं दोबारा से, ये देखें, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लोगो के अंदर मेरा स्पेन पड़ा हुआ है, तीनों स्पेन मेरे लोगो के अंदर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉट लोगो और स्पेन। अब स्पेन में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे विद दे देता हूँ और हाइट दे देंगे, तो विद में दे देता हूँ 80 पिक्सल, और हाइट हम इसमें पूरा देंगे बिकॉज मैंने ये जो है वो पूरा ये इसमें फिट रहने वाला है, हाइट बिल्कुल इसी येलो बॉक्स के हिसाब से होगा, तो हाइट मैं इसमें दे देता हूँ 100%, ओके। तो विद एंड हाइट हमने दे दिया, अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम स्ट्रिप्स को लेके उनमें कलर्स वगैरह डालेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे राइट स्ट्रिप, सॉरी लेफ्ट स्ट्रिप। तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, लोगो के अंदर हमारा पड़ा हुआ है क्या, लेफ्ट स्ट्रिप,
लेफ्ट स्ट्रिप आ गया। सबसे पहले लेफ्ट स्ट्रिप में मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, क्योंकि विद एंड हाइट में ऑलरेडी स्पेन के जो है वो डिफाइन कर चुका हूँ। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ इसमें हैश, ये ऑलरेडी कलर मेरे पास हैं पड़े हुए, तो A9 4x0, ठीक है 000। ये देखिए हमने कर दिया यहाँ पे, कलर मैंने डाल दिया। अब ये क्या करूँगा, इसमें अप्लाई करूँगा स्पेन में पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन में करूँगा एब्सोल्यूट। जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया, यहाँ देखिए क्या हो गया, आपका इस एक के अंदर जो है वो फिट आ चुका है, लेकिन यहाँ से आपका ये ओवरफ्लो कर रहा है नीचे की तरफ। ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि इस पूरे जो येलो कलर का डिव है इसके अंदर फिट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर देंगे टॉप 0, टॉप कर देंगे 0 और लेफ्ट कर देंगे 0, लेफ्ट 0। अच्छा यहाँ देखिए ये बॉडी के साथ में चल रहा है, क्यों, वजह क्या है, क्योंकि हमें जो है वो इसको लोगो, ये हमारा लोगो का डिव है येलो वाला, इसके हिसाब से चलाना है। तो मैं येलो वाला जो लोगो है मेरा, उसकी क्लास है, उसमें कर दूंगा पोजीशन रिलेटिव। जैसे ही हम पोजीशन रिलेटिव करेंगे, यहाँ देखिए आपका ये स्ट्रिप फिट आ चुका है किसके अंदर, इस लोगो के बॉक्स के अंदर। हमने एक स्ट्रिप कंप्लीट कर लिया, वाओ दैट्स ग्रेट। अब सेंटर स्ट्रिप को हम एंड में बनाएंगे, पहले मैं राइट स्ट्रिप बना देता हूँ। तो राइट स्ट्रिप बिल्कुल सिमिलर है इसकी तरह, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी। अच्छा इस लेफ्ट वाले को कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया मैंने कंट्रोल सी, नीचे पेस्ट कर दिया, इसको मैं बना देता हूँ राइट स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप। यहाँ पे हमने इसको क्लास तो दे दिया राइट स्ट्रिप। अब क्या है हमारा, जो हमारा नया जो हमारा राइट वाला स्ट्रिप है ना, यहाँ देखिए वो इस लेफ्ट वाले के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेफ्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि राइट स्ट्रिप है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा राइट। अब देखिए आपका ये वाला स्ट्रिप यहाँ आ चुका है, विच इज़ गुड। अब ज़रा जगह यहाँ पे आई थिंक बॉक्स की बहुत कम है, तो इसको ज़रा सा बढ़ा देंगे तो अच्छा है। तो ये जो येलो वाला हमारा बॉक्स है, मीन्स जो लोगो का पूरा कंटेनर है, इसमें मैं विड्थ ज़रा बढ़ा देता हूँ 240, ओके 240 सही है, गुड। अब हम बनाएंगे सेंटर वाला स्ट्रिप। तो सेंटर वाला किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ देखें, अगर आप देखेंगे तो सेंटर वाला आपका ज़रा सा टेढ़ा स्ट्रिप आपका टेढ़ा बना हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सीधे स्ट्रिप थे, ये आपका टेढ़ा बना हुआ है। तो इसको किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे, चलते हैं VS कोड में और ये आ गया आपका स्क्रीन। अच्छा अब उठाते हैं हम इसको, बीच में बना लेते हैं, लोगो के अंदर हमारा क्या पड़ा हुआ है, सेंटर स्ट्रिप। सबसे पहले हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, तो बैकग्राउंड कलर। अच्छा अगर आप यहाँ पे गौर करें एक चीज, तो आपका जो दोनों स्ट्रिप है राइट और लेफ्ट के, उनका कलर डिफरेंट है और इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट है। तो इसमें हम डिफरेंट कलर डालेंगे किस तरह से, यहाँ पे मैं एक और कलर डाल देता हूँ इसमें हैश D4000, ओके। अब हमारा देखिए कलर ब्राइट हो चुका है। अब ये देखिए स्ट्रिप आपका यहाँ पड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है लेफ्ट स्ट्रिप के, तो इसको किस तरह से हम सेंटर में फिक्स करेंगे, तो आइए देखते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको टेढ़ा बनाने के लिए मैं स्क्यू करूँगा इसको, तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसफॉर्म स्क्यू। अच्छा स्क्यू में कौन से एक्सेस में करूँगा, इस एक्सेस में मैं नहीं कर रहा, एक्स एक्सेस में करने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं इसको ज़रा सा टेढ़ा बनाऊँगा ताकि ये वाले ये टॉप का और ये बॉटम का जो है वो आपका स्क्यू बन जाए। तो स्क्यू करूँगा मैं इसको एक्स एक्सेस में और यहाँ पे कर दूँगा 20 डिग्री। देखिए अब आपका जो है वो क्या हो गया, और सॉरी मैंने राइट में लगा दिया, सेंटर में आएगा ये आपका आएगा सेंटर में, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए हमारा सेंटर स्ट्रिप जो है वो स्क्यू हमने कर दिया, ये देखिए टेढ़ा हो चुका है। अब मैंने इसको फिट करना है बिल्कुल इसके मिडल में, तो इसको मिडल में किस तरह से फिट करेंगे,
ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन में करूंगा टॉप लेफ्ट। जैसे हमने किया ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप लेफ्ट, तो क्या हो गया, अब यहाँ से आपका जो सेंटर वाला स्ट्रिप था वो देखिए बिल्कुल यहाँ पे फिक्स हो चुका है सेंटर में। अब यहाँ से देखिए प्रॉब्लम एक, यहाँ से ये हमारा सेंटर वाला स्ट्रिप हमें ऊपर चाहिए, देखिए बैक में चला गया, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स का फंडा क्या है, जितना आप जेड इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे चीज़ें आपके फ्रंट में आती जाएंगी, जितना आप इसको माइनस में ले जाएंगे चीज़ें आपके बैकवर्ड में जाती रहेंगी। तो जेड इसको मैंने फ्रंट में लाना है तो जेड इंडेक्स में कर देता हूँ इसमें 3। अब देखें आपका फ्रंट में आ गया, बिल्कुल ये देखिए फ्रंट में आ चुका है। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ देखें आपका ऊपर से बिल्कुल यहाँ पे इसको टच हो रहा है कॉर्नर पे, लेकिन यहाँ पे ये इस कॉर्नर के साथ टच नहीं हो रहा, तो इसको किस तरह से फिक्स करेंगे। यहाँ पे हम स्क्यू मैंने जो किया था एक्स एक्सिस में, इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो मैं अगर 22 डिग्री करता हूँ, जैसे मैंने 22 डिग्री किया यहाँ देखिए यहाँ से ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स हो चुका है, इसको कर देते हैं 22.2। ओके 22.1 अगर हम करेंगे 22.25 कर देते हैं, ठीक है हमने यहाँ से इसको कर दिया 22.5 डिग्री। ओके देखिए यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल टच हो चुका है। अब हमारा लोगो तो कम्प्लीटली बन चुका है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड में आपका येलो कलर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ लोगो से। अब आपका नेटफ्लिक्स का जो है वो लोगो तो बन चुका है, लेकिन यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, और 22 डिग्री ओके। अब दोबारा से चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ देखें अगर तो इसके पीछे में एक बैकग्राउंड बॉक्स शेडो भी नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए इसके पीछे सेंटर वाले के, इनके पीछे कुछ भी नहीं है, इसमें बॉक्स शेडो लगेगा ना तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा ऊपर का सेंटर का स्ट्रिप। तो इसमें क्या करेंगे हम, मैं इसके ऊपर जो सेंटर वाले के ऊपर बॉक्स शेडो लगा देता हूँ, तो सेंटर वाला स्ट्रिप कहाँ गया हमारा, ये रहा सेंटर स्ट्रिप, इसमें लगा देते हैं बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो में कर देता हूँ 0 पिक्सल 0 और 40 पिक्सल ब्लैक कलर में, ब्लैक ओके। अब देखें आपको इसके पीछे जो है वो बॉक्स शेडो नज़र आ रहा है, इसको अगर हम करें 50 ओके, नाउ वी आर गुड। ये देखिए इसके पीछे अब बॉक्स शेडो लग चुका है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से हम चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा यहाँ अगर आप गौर करें, यहाँ अगर आप देखें तो हमारा जो है वो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है, नीचे से अगर आप देखें तो एन आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ से भी स्ट्रेट है। अगर यहाँ पे ब्राउज़र में देखें लोगों, तो यहाँ से देखें आपका ज़रा सा कर्व है, तो ये कर्व हमें बनाना पड़ेगा। तो किस तरह से बनाएंगे, जब कर्व बनाएंगे थोड़ा सा इसमें रियलिस्टिक लगेगा बिल्कुल सिमिलर, तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं, ये VS कोड और ये हमारा स्क्रीन। अच्छा नीचे से हमें इसको कर्व बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा कर्व बनाने के लिए सूडो एलिमेंट का यूज़ करते हैं, तो लोगो के ऊपर लगा दें, हाँ जो हमारा मेन लोगो है इसके ऊपर मैं लगा दे, तो सूडो एलिमेंट बिफोर नहीं लगाएंगे, बिफोर अगर लगाएंगे तो वो यहाँ आएगा, ठीक है इससे पहले, तो आफ्टर लगा देते क्योंकि हमें वैसे भी चाहिए बॉटम में, तो सूडो एलिमेंट आफ्टर। और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा कॉन्टेंट, कॉन्टेंट में कर देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है कॉन्टेंट, खाली छोड़ दिया। आप सबसे पहले बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ताकि हमें कुछ तो नज़र आए, तो बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं, कलर कर देते हैं येलो ब्राइट सा कुछ, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर ओके, बैकग्राउंड कलर आ गया। अब इसमें विड्थ दे देते हैं, तो मैं विड्थ दे देता हूँ 100% का, और हाइट इसमें दे दें
हाइट ज़्यादा में नहीं चाहिए क्योंकि हमें वेट ही अच्छा खासा चाहिए कि ताकि ये बिल्कुल इस नेटफ्लिक्स के लोगों से शुरू हो और यहाँ तक एंड हो, तो हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाइट में दे देता हूँ इसमें 20 पिक्सल का। ओके, अब भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, पोजिशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो पोजिशन में कर देता हूँ एब्सोल्यूट, पोजिशन हमने एब्सोल्यूट कर दिया। अब ये देखिए टॉप में आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं करूँगा बॉटम, बॉटम कर देते हैं 0, बॉटम 0, एंटर। बॉटम हमने 0 किया, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में 0 हो चुका है, लेकिन हमें जो है वो इसको कट नहीं करना, हल्का सा बिकॉज बिल्कुल हमें हल्का सा कर्व चाहिए, तो इसको ज़रा सा मैं नीचे कर देता हूँ -10 पिक्सल। ओके, अब यहाँ से मैं हाइट ज़रा बढ़ा देता हूँ, इसको कर देते हैं 25 पिक्सल, और विड्थ हम ज़रा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे 130%। ठीक है, 130% हमारा विड्थ हो चुका है, हाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। अब ये हमें बिल्कुल यहाँ से देखें निकल रहा है, इसको बिल्कुल सेंटर में ले आना है, तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे लेफ्ट में लगा देता हूँ 10%, माइनस में लगा देते हैं -10%, अभी भी बिल्कुल नहीं सेंटर है, 15। ओके, बिल्कुल सेंटर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको राउंडेड बना देते हैं कर्व ताकि हमें कर्व मिले। तो बॉर्डर में लगा देता हूँ बॉर्डर रेडियस कर देंगे हम इसमें 50%, तो ये कर्व बन जाएगा, देखिए राउंडेड हो चुका है। अब हमें ये चाहिए इसके ऊपर, ये नेटफ्लिक्स का लोगो जो है वो सेंटर वाला स्ट्रिप आपका ऊपर आ रहा है, तो मुझे ये वाला ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे जेड इंडेक्स लगा देता हूँ 2-3 कर दें। ठीक है, अब आपका जो हमने राउंड क्रिएट किया हुआ ये बिल्कुल टॉप में आ चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसका कलर चेंज करेंगे, तो कलर बैकग्राउंड के साथ मैच कर देंगे पूरा, इसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक। ये देखिए हमने ब्लैक कलर कर दिया। अब आप देखेंगे नीचे से आपको ये राउंड मिल रहा है कर्व, बिल्कुल सिमिलर हमने जो ब्राउज़र में लोगो देखा है, ये देखें इसके नीचे जो कर्व जैसे बना हुआ था, अब वो हमें यहाँ भी मिल रहा है, ये देखें यहाँ भी हमें मिल रहा है। ओके, अब हमारा नेटफ्लिक्स का जो है वो लोगो कंप्लीट हो चुका है। नीचे हम एक टेक्स्ट डालेंगे नेटफ्लिक्स का, वो किस तरह से, सिंपल है बहुत। तो चलते हैं सबसे पहले HTML में, HTML से हम लोगो डाल देते हैं, तो index.html में। अब हम मैं इस जो है वो लोगो के डिव से बाहर निकल रहा हूँ, तो यहाँ से मैं बाहर जाके यहाँ पे लगा देता हूँ एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम टाइटल। अब इस टाइटल के डिव के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स डाल दिया मैंने। आप इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बिकॉज आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में। तो चलते हैं CSS में, और CSS में हम कंटेनर के अंदर है हमारे, तो कंटेनर में हमारा टाइटल है, तो टाइटल हमने उठाया। सबसे पहले कलर वाइट करेंगे ताकि कुछ तो नज़र आए, अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कहाँ पड़ा हुआ है, तो कलर मैंने कर दिया वाइट, ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा इसमें पोजीशन में कर देता हूँ एब्सोल्यूट। अब नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल पोजीशन एब्सोल्यूट से, पहले मैं इसकी जो है वो साइजिंग वगैरह बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट साइज डाल देता हूँ, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल, और इसमें टेक्स्ट इसको पूरा अपर केस में करने के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूँगा अपर केस ताकि पूरा कैपिटल लेटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। देखें पूरा कैपिटल लेटर में आ चुका है। अब इसमें मैं एक फॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ, फॉन्ट फैमिली एरियल। देखिए फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें हम डालेंगे इसको बोल्ड कर देते हैं ज़रा सा, तो फॉन्ट वेट में इसमें डाल देता हूँ 700 का, ज़रा से इसकी मैं साइज़ बढ़ा दूँ, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 90। अब हम जो है वो ये फॉन्ट, अब ये पोजीशन एब्सोल्यूट को मैं यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। अब देखिए पोजीशन हमने किया एब्सोल्यूट, यहाँ पे आ चुका है।
इसको मुझे टॉप में ले आना है तो इसमें जेड इंडेक्स ज़रा सा अप्लाई कर देते हैं। तो वैसे भी टॉप बॉटम में ले आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पोजीशन एब्सोल्यूट तो हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बॉटम। बॉटम अगर करेंगे ज़ीरो तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ। तो अगर यहाँ मैं करता हूँ 90 पिक्सल, 90 बहुत ज़्यादा हो गया, 70, और यहाँ पे जेड इंडेक्स अप्लाई कर देंगे, जेड इंडेक्स 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जेड इंडेक्स अप्लाई किया, ये फ्रंट में आ गया। ज़रा सा मैं इसको और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अगर हम करते हैं 65, बॉटम से मैंने 65 किया, ये देखिए आपका लोगो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका लोगो, हमने बना लिया नेटफ्लिक्स का, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। और नीचे से हमने इसका टेक्स्ट लगा लिया, लोगो टाइटल हमने डाल दिया नेटफ्लिक्स। अब हम इसको करेंगे एनिमेट। तो एनिमेट किस तरह से होता है नेटफ्लिक्स का, नेटफ्लिक्स इतना पॉपुलर है पता है किस तरह से होगा, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो एनिमेशन इसमें ये होना चाहिए कि पहले हमारा एक स्ट्रिप अपीयर हो, फिर दूसरा स्ट्रिप, और फिर हमारा ये तीसरा स्ट्रिप, ओके, और फिर लास्ट में हमारा ये नेटफ्लिक्स जो है वो अपीयर हो। तो किस तरह से करेंगे, हमें बनाना पड़ेगा की फ्रेम्स। तो की फ्रेम्स किस तरह से बनाएंगे, 8 मीडिया, ओ सॉरी मीडिया क्यूरी लगा रहा हूँ, 8 की फ्रेम्स। मैं नाम दे देता हूँ इसको, एनिमेशन का नाम दे देंगे नेटफ्लिक्स एनिमे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, मैंने नाम दे दिया नेटफ्लिक्स का। और अच्छा, इसको मैं किस तरह से करूँगा, तो लोगो, अच्छा यहाँ अगर मैं हाइट देखूँ तो मुझे हाइट से मैं इसको एनिमेट करूँगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, हाइट को कर दूँगा 0, और जब एनिमेशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब 100% पे आपका एनिमेशन 100% पे पहुँचे तो क्या हो, इसकी हाइट हो जाए 100%। ठीक है, क्लियर। अब मैं इस एनिमेशन को करता हूँ अप्लाई। तो अप्लाई किस तरह से करेंगे, चलते हैं सबसे पहले राइट वाले स्ट्रिप में। तो राइट में क्या करूँगा, मैं एनिमेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, एनिमेशन। एनिमेशन में सबसे पहले एनिमेशन का नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो नाम क्या हमारा नेटफ्लिक्स है, आप जो नाम रखेंगे वो यहाँ पे डालेंगे। और फिर उसके बाद हम देंगे टाइमिंग, कितना टाइमिंग आप देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है, अच्छा ये आपका राइट में लग चुका है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम लेफ्ट में भी लगा लेंगे। अच्छा, तो 1 सेकेंड का मैंने टाइम दे दिया, इसको मैं बनाऊंगा लीनियर, और लीनियर के साथ इसको करेंगे फॉरवर्ड्स। अच्छा, अब हमारा एनिमेशन अप्लाई जो हो चुका है, लेकिन एक गौर की आपने चीज़ कि मैं यहाँ से नेटफ्लिक्स का एनिमेशन हमेशा बॉटम से अप्लाई होगा, ये जो 2 स्ट्रिप है राइट और लेफ्ट के, ये हमेशा बॉटम से होंगे। तो यहाँ पे देखिए, रिफ्रेश करता हूँ, ये ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, विच इज़ नॉट गुड। तो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पे टॉप में हमने 0 किया हुआ था, इसको मैं बना दूंगा बॉटम। अब देखते हैं, अब देखें आपका एनिमेशन जो है वो बॉटम से आ रहा है। तो इसी एनिमेशन को अब हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हमारा सेंटर स्ट्रिप, सेंटर स्ट्रिप में भी एनिमेशन अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए अब आपका ये वाला आ रहा है, और इसको हम लेफ्ट स्ट्रिप में भी अप्लाई कर देंगे। सिंपल, ये हमने करवा दिया अप्लाई लेफ्ट स्ट्रिप में। अब देखिए, लेफ्ट आपका टॉप से बॉटम आ रहा है, यही मिस्टेक है, हम यहाँ पे टॉप को कर देंगे बॉटम, ताकि हमारा एनिमेशन जो है वो बॉटम से आए। अब देखिए, तीनों एक साथ आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारा जो है वो अप्रोच क्या है कि नेटफ्लिक्स का पहले ये वाला स्ट्रिप आए, फिर सेंटर वाला, और फिर लास्ट वाला। तो इसमें हम एनिमेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। CSS में आप एनिमेशन कंट्रोल कर सकते हो, टाइमिंग के कौन सा आपने पहले चलाना है और कौन सा बाद में। तो हमने पहले ये वाला चलाना है, तो इसकी टाइमिंग हम सबसे कम रखेंगे, मिडल वाले की उससे ज़्यादा रखेंगे, लेफ्ट राइट स्ट्रिप की उससे ज़्यादा रखेंगे। तो किस तरह से कर सकते हैं, हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे एनिमेशन डिले, ठीक है, एनिमेशन डिले। देखिए एनिमेशन डिले अप्लाई किया, इसमें कर देता हूँ मैं 1 सेकेंड, यह आपका लेफ्ट स्ट्रिप है ये वाला, ये अब देखिए सबसे लास्ट में आ रहा है। अब मैं लगाऊंगा एनिमेशन डिले सेंटर वाले में, तो यहाँ भी लगा देते हैं एनिमेशन डिले। अब यहाँ पे एनिमेशन डिले हम लेफ्ट वाले से एक
जो है वो ज़्यादा रखेंगे, इसको मैं कर दूंगा 2 सेकेंड। तो अब क्या होगा, आपका पहला जो है वो लेफ्ट वाला आएगा, फिर आपका मिडल वाला आएगा। अब राइट वाले, राइट आपका जो स्ट्रिप है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी एनिमेशन डिले कर देंगे, तो एनिमेशन डिले और इसमें 1 सेकेंड और ज़्यादा ऐड करेंगे, तो इसको मैं कर दूंगा 3 सेकेंड्स। अब देखिए क्या होगा, पहले आपका ये स्ट्रिप और दूसरा ये और फिर आपका एंड में ये। दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये आपका और फिर ये वाला स्ट्रिप। अब लास्टली हमने क्या करना है, एंड में हम चाहते हैं हमारा ये टेक्स्ट नीचे जो टाइटल है ये अपीयर होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइटल में मैं यहाँ पे कर दूंगा ओपेसिटी। सबसे पहले इस टाइटल की ओपेसिटी तो मैं 0 रखूंगा ताकि शुरू में जो है वो स्टार्टिंग में अप्लाई ना हो। फिर हम बनाएंगे एनिमेशन की फ्रेम्स को, हाँ की फ्रेम्स इसमें मैं ओपीसी ओपेसिटी रख देता हूँ एनिमेशन का नाम, और 100% पे हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी कर देंगे 1, ओपेसिटी कर देंगे 1, ठीक है। ऊपर 0 हो जाएगी, नीचे उसकी ओपेसिटी होगी 1। अब हमें करवाना पड़ेगा, अभी तो अपीयर नहीं हो रहा क्योंकि एनिमेशन हमने अप्लाई नहीं किया, तो एनिमेशन कर देते अप्लाई, प्रॉपर्टी लगाया एनिमेशन, एनिमेशन का नाम क्या ओपीसी और इसको हम कर देंगे 1 सेकेंड के लिए लीनियर, ठीक है, फॉरवर्ड्स। अब हम चाहते हैं हमारा ये जो टाइटल है ये सबसे एंड में अप्लाई, सबसे एंड में अपीयर होना चाहिए, तो इसके लिए भी एनिमेशन डिले करेंगे। तो जैसे मैंने ऊपर 1-1 सेकंड का फ़र्क रखा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एनिमेशन डिले कर दूँगा। ऊपर मैंने 3 सेकंड्स किया था, यहाँ मैं कर दूँगा 4 सेकंड्स। अब देखें क्या होगा, ये आपका एक स्ट्रिप आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा और आपका नीचे आ गया टाइटल। तो ये हमने जो है वो लोगो बना लिया नेटफ्लिक्स का और हमने एनिमेट भी इसको कर दिया। कितना सिंपल था, आपने देखा कि हमने हर स्टेप समझ के इस जो है वो लोगो को क्रिएट किया। यहाँ देखें, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें आपके पास एनिमेशन आ रहा है नेटफ्लिक्स का और नीचे आपका टाइटल। तो आई होप आपने आज की वीडियो को भी इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, see you in the next tutorial, till then, bye bye.